श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति पांडे हाता के तत्वाधान में सोमवार को श्री श्री सिद्ध पीठ शीतला माता मंदिर हिंदी बाजार में एक बैठक का आयोजन किया गया। श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश पटवा ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी परंपरागत रूप से होलिका दहन की शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। बैठक में समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश पटवा, विजय पटवा, चंद्र कुमार, राहुल कुमार गुप्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश पटवा ने कहा, लगभग 3 बजे के आसपास तैयारी, 3 बजे तक जी पूरी कर लेंगे। 11 को क्रमबद्ध कल हम कॉन्फ्रेंस, ये होलिका दहन उत्सव समिति पांडेहाता से जो शोभा यात्रा निकलती है उसी के संबंध में है। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और ग्रामीण विधायक और नगर विधायक भी रहेंगे, उसमें महापौर भी उसमें शामिल रहेंगे और नंदू मिश्रा जी भी वो अतिथि के रूप में रहेंगे। और शोभा यात्रा हमारे पांडेहाता चौराहे से प्रस्थान करेगी, घंटाघर, मदरसा चौक, लाल डिग्गी, मिर्जापुर, घासीकटरा, बेनीगंज, बेनीगंज से अनिलगर, अनिलगर से बक्सीपुर, बक्सीपुर नखास चौक, रेती चौक, घंटाघर, नॉर्मल जाके वो समापन होगी। तत्पश्चात जो है होलिका दहन किया जाता है और झांकियां उसमें लगभग 11 हैं। 2 झांकी यहाँ त्रुकमानपुर से है, 2 झांकी पादड़ी बाजार से है और 3 झांकी जो है ये कौआ दह और स्थानीय कलाकार ही इसमें शामिल रहते हैं और बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसमें ढोल नगाड़े साथ में फूलों की होली खेलते हुए लोग शोभा यात्रा निकालते हैं। महाराज जी भी वहाँ पांडेहाते चौराहे पे समय दिए हैं 4 बजे वो लगभग आ जाएंगे और वहाँ आरती करके फूलों की होली खेल के और शोभा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।